का टेस्ट होता है, जो पूरी का टेस्ट होता है, बिल्कुल घर जैसा, बिल्कुल घर जैसा, यानी सॉफ्ट होता है एकदम। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट, घर पे जैसे खाते हैं ना वैसे ही होता। अच्छा लगता है। रोटी कैसा है यहाँ का? सॉफ्ट है एकदम, आप आराम से खा पाते हो जो, यानी आप घर पे टेस्ट बनाते हैं, जैसे बनाते हैं रोटी वो सेम टेस्ट आ रहा है, सेम क्वालिटी होती है, हम तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सालों से आ रहे हैं हम तो। ये जो रोटी है सर वो ऑटोमेटिकली मशीन से बन के आ रही है, जो जंक्शन मशीन कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो मशीन की रोटी है और हाथ की रोटी में मैडम आपको कोई फर्क लगा या फिर सेम ही है? नहीं लगा, यानी आपको पता ही नहीं चला अभी तक? नहीं। आपको कैसा लगता है गुड़िया? आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि रोटी सॉफ्ट रहती है, आप कोई भी खा सकता है? हाँ कोई भी खा सकता है। देखिए एकदम खुलकर रोटी बन के आ रहा है, देखिए इतना बढ़िया क्वालिटी का रोटी बन के आ रहा है। करंट वगैरह आया कभी आपको? नहीं। बढ़िया रोटी बन जाती है। हाँ। कैसे आपको पता चला सर, क्या किस प्लेटफॉर्म से पता चला, रेफरेंस से पता चला, ऑनलाइन पता चला, कैसे पता चला? YouTube से। तो YouTube पे सर, तो आपने दूसरी भी कंपनियां देखी होगी जो इस तरीके की मशीनें बनाती है, तो आपने जैक्सन मशीन कंपनी को ही क्यों चूज किया? पहले मैं 2-3 कंपनी से लिया था मशीन, इसमें मजा नहीं आया, तो बाद में जैक्सन का लिया, इसमें बढ़िया मजा आया। कितनी रोटी अप्रोक्स पूरे दिन में बन जाती होगी? 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार रोटी पर डे बन जाती है? यस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैक्सन मशीन कंपनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर से लेके आ चुके हैं जैक्सन मशीन कंपनी हमारे एक और पॉजिटिव कस्टमर का रिव्यू। जैसे कि अहमदाबाद गुजरात से हम आ चुके हैं भुज गुजरात, अप्रोक्स गिन लीजिए हमारी जैक्सन मशीन कंपनी से अपने कस्टमर के रेस्टोरेंट 400 किलोमीटर जितना रहेगा, 400 किलोमीटर जितना हम सफ़र तय करके आ चुके हैं हमारे कस्टमर के रेस्टोरेंट के ऊपर, उनका सिर्फ और सिर्फ रिव्यू जानने के लिए कि उनकी मशीनें कैसे चल रही है, इतने टाइम में जैक्सन मशीन कंपनी ने उनको कैसा सर्विस दिया है। जैसे कि आप देख पाएंगे प्रॉपर यहाँ से उनका एंट्री है, यहाँ पे उमियाजी डाइनिंग हॉल जूनागढ़ वाला उनका होटल का नाम है, यहाँ पे उनका एंट्री और यहाँ पे उनका किचन एरिया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से इनका किचन एरिया, यहाँ पे अपनी 7-8 मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं यहाँ पे नीचे, हमारे जो कस्टमर है उनसे भी आपको मिलाएंगे, कस्टमर के कस्टमर का भी आपको रिव्यू दिलाएंगे। जैसे कि आगे की बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कस्टमर के भी कस्टमर का रिव्यू लेते हैं कि जो हमारी मशीन से बनी हुई रोटियां रहती है, पूरी रहती है, या हमारी मशीन से बनी हुई कोई भी फूड आइटम रहती है उसकी क्वालिटी कैसी आती है, राइट। तो चलिए बिना देर की अपना चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बना रखा है कस्टमर ने। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं हमारे कस्टमर के रेस्टोरेंट के ऊपर, यहाँ पे हमारे कस्टमर बैठे हुए हैं, आप देखेंगे तो इनसे भी अपने बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना सारा क्लाउड है, कितने सारे कस्टमर लाइव विजिट पे आए हुए हैं। जैसे कि हमारे कस्टमर से बात करेंगे, कैसे हैं सर जी? बस नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? नीलेश पटेल। कैसा चल रहा है सर बिजनेस अभी? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अपनी मशीनें सर लिए हुए कितना टाइम हो गया है? 3 साल। 3 साल हो गए हैं, कैसी चल रही है सर मशीनें? बहुत बढ़िया चल रही है। कभी भी 3 सालों में मशीन में कोई सर समस्या आई अभी तक? नो सर, नहीं आई। तो दोस्तों अभी मशीन के बारे में भी बात करेंगे सर से और भी ज़्यादा जानकारी जानेंगे, इनके रेस्टोरेंट के बारे में भी, कैसे उन्होंने चालू किया वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। फर्स्ट अपने अपने जो कस्टमर के कस्टमर है उनका भी आपको रिव्यू बताते हैं किस तरीके से उन लोगों को यहाँ का फूड अच्छा लगता है। सर के साथ हम चलेंगे हमारे कस्टमर के पास। तो दोस्तों जैसे कि अब आपको बताते हैं हमारे कस्टमर के कस्टमर का रिव्यू जानते हैं। सर कितना टाइम हो गया सर यहाँ पे फूड खाते हुए? 8-9 साल स्टार्टिंग से। हाँ अच्छा, और तब से खा रहे हैं। कैसा लग रहा है सर यहाँ का फूड का क्वालिटी? पहले से एक नंबर फूड है भाई। और जो रोटी का टेस्ट होता है, जो पूरी का टेस्ट होता है, बिल्कुल घर जैसा, बिल्कुल घर जैसा, यानी सॉफ्ट होता है एकदम। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट, घर पे जैसे खाते हैं ना वैसे ही होता। आपको कैसा लगता है मैडम? बढ़िया लगता है। यानी जो भी जैसे बुजुर्ग आदमी रहता है, बच्चे रहते हैं, वो भी आराम से ये रोटी जो रहती है, पापड़ रहते हैं, पूरी रहते हैं, वो आराम से खा सकते हैं? यस, आराम से खा सकते हैं, एकदम इजी टू ईट है। देख पा रहे हैं दोस्तों कस्टमर भी कितने पॉजिटिव हैं, और भी कस्टमर से रिव्यू जानेंगे कि उनको कैसा लगता है का यहाँ का फूड। कितना टाइम हो गया सर यहाँ पे खाते हुए? 10-15 बार आ गया हो। 10-15 बार आ गया। कैसा लग रहा है सर फूड का क्वालिटी यहाँ के? बढ़िया है क्वालिटी। और जो यहाँ पे जो रोटी बन रही है उसका टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। और सर जैसे आपको नहीं पता होगा, आपने किचन एरिया विजिट नहीं किया रहेगा, ये जो रोटी है सर वो ऑटोमेटिकली मशीन से बन के आ रही है, जो जैक्सन मशीन कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो मशीन की रोटी है और हाथ की रोटी में मैडम आपको कोई फर्क लगा या फिर सेम ही है? नहीं लगा, यानी आपको पता ही नहीं चला अभी तक? नहीं। दोस्तों देख पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया क्वालिटी की रोटी बना के दे देता है, यानी एकदम हाथ जैसा टेस्ट आता है, राइट मैडम? यानी जो बुजुर्ग आदमी रहते हैं एकदम सॉफ्ट रोटी बन जाता है, कोई भी चबा सकता है। यस।
देख पा रहे हैं कितने पॉजिटिव कस्टमर हैं यहाँ पे, कितने पॉजिटिव रिव्यूज हैं इनके। और सर आप लोग आते हैं तो आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ आते हैं तो कैसा रिव्यू रहता है उनका? हम जब बिदरा गांव से आते हैं, हमारा यहाँ गांव 50 किलोमीटर दूर है, हर टाइम यही खाना खाने आते हैं दोपहर को। और प्राइसिंग वगैरह कैसा है सर? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। जैसे कि अभी एक और कस्टमर से रिव्यू जानेंगे, कैसा लग रहा है सर यहाँ का खाना? बढ़िया लग रहा है, एकदम सॉफ्ट रोटी बन रहा है यहाँ का। ओके, देख पा रहे हैं एकदम सॉफ्ट रोटी बनके तैयार हो चुका है। मैडम आप जो रोटी बनाते हैं हाथ से, घर पे जो रोटी बनाते हैं सेम टेस्ट आ रहा है? हम आते साल में 3-4 बार तो आते हैं। 3-4 बार आते हैं जो, यानी आप घर पे टेस्ट बनाते हैं, जैसे बनाते हैं रोटी वो सेम टेस्ट आ रहा है? सेम क्वालिटी होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सालों से आ रहे हैं हम तो। स्टार्ट हुआ तब इस थाली का भाव था ओनली 50 रुपए। अच्छा, और आज कितना प्राइस है सर? 200 कर दिया है, वो अच्छा है। हाँ, और अभी फूड का क्वालिटी मेंटेन हुआ है, सेम क्वालिटी है? पहले से भी अच्छा, दिन ब दिन अच्छा हो जा रहा है। एक बार महीने में एक बार आना चाहिए आपको खाने। आपको कैसा लगता है गुड़िया? आपको मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि रोटी सॉफ्ट रोटी आप कोई भी खा सकता है? हाँ, कोई भी खा सकता है। अच्छा, फरमाइश सिंह की आने की रोटी है। बेटा आपको कैसा लग रहा है यहाँ का खाना? अच्छा अच्छा लगता है। रोटी कैसा है यहाँ का? सॉफ्ट है एकदम, आप आराम से खा पाते हो। आपके दांत चूहे ले गए दोस्तों, देख पा रहे हैं बच्चे भी कितने हैप्पी हैं यहाँ के, और बच्चे भी खा के एकदम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। राइट, अभी अपने ने देखे कितने सारे कस्टमर का आपको रिव्यू दिलाया है। अभी अपने चलते हैं यहाँ के किचन एरिया में, आपको विजिट कराते हैं कि किचन एरिया में जैसे कि यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाता है, हमारी किस कौन सी मशीनें लग गई यहाँ पे। आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्विंग के लिए भी जो यहाँ की टीम है वो प्रॉपर घूम रही है, प्रॉपर हाथ में ले लेके। जैसे आजकल का जो कल्चर हो चुका है उसकी वजह से जैसे अपने लाइक पूरा स्टोर वगैरह लगा देते हैं वहाँ पे जाके, अपने सेल्फ सर्विस जैसा हो गया है। पर यहाँ पे अभी भी जो अपना पुरानी संस्कृति कायम रखी हुई है, जैसे कि आप बैठ जाइए आपको ऑथेंटिक तरीके से खिलाया जाएगा, जो आपको नीड है आपके टेबल पे सर्व हो जाएगा। यानी पुरानी जो अपना रीति रिवाज है उसको इन्होंने पूरा मेंटेन करके रखा है। चलते हैं अपने और भी कस्टमर से भी जानेंगे केवल लागे छे सर इनू जमवानू तमने? बहुत सरस लागे छे। रोटलीन पूरी केवी छे? बहुत एक जोरदार छे एकदम छे। बेन केवू छे इनू जमवानू? सरस। रोटली सारी जे? सारी। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा पार्सल वगैरह हो रहा है, यहाँ से सब्जी वगैरह भी स्टोर हो रही है। अब अपने चल रहे हैं ऊपर जो किचन एरिया है, जहाँ पे रोटी वगैरह बनाई जाती है, पूरी वगैरह बनाई जाती है, जहाँ जंक्शन मशीन की मशीनों के माध्यम से वर्क होता है। उस एरिया में आपको जाके दिखाते हैं हमारी कितनी मशीनें यहाँ पे लगी हुई है और क्या क्वालिटी मशीन में से आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाएंगे ये अपने आ चुके हैं कस्टमर के किचन एरिया में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा रोटी मेकिंग मशीन प्लस रोस्टिंग मशीन लगा हुआ है, और कितना बढ़िया सेटअप सर ने कर दिया। जैसे मशीन तो हमारा लगाया हुआ है, सर ने आप यहाँ पे बारीकी से नोटिस करेंगे तो सीधा यहाँ पे सर ने पाइपलाइन का कनेक्शन दे दिया है, जिसके माध्यम से आपका जो रोटी है वो सीधा का सीधा इसके अंदर चला जाने वाला है। ये देखिए एकदम खुल का रोटी बन के आ रहा है, ये देखिए इतना बढ़िया क्वालिटी का रोटी बन के आ रहा है, ये सीधा का सीधा ग्राउंड फ्लोर पे चले जाने वाला है इस पाइपलाइन की मदद से। अब यहाँ के एम्प्लॉय से भी जानेंगे कि कैसा मशीन चल रहा है ये। बढ़िया मस्त चल रहा है। करंट वगैरह आया कभी आपको? नहीं। बढ़िया रोटी बन जाती है? हाँ। यानी कच्ची पक्की रोटी तो नहीं आती है? नहीं आती है। दोस्तों देख पा रहे हैं कच्ची पक्की रोटी इसके अंदर से नहीं आ रही है, और भी बहुत सारे मशीन लगे हैं। हमारा रोस्टिंग मशीन इसके माध्यम से आपकी जो रोटी है वो प्रॉपर सिका के आ जाने वाली है। ओके, और यहाँ से आपका जो रोटी है वो प्रॉपर कट हो जाने वाला है। 2 टाइम प्रेसिंग वाला ये मशीन है, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ से आटा डाल देना है, यहाँ से प्रेसिंग हो जाने वाला है, और प्रेसिंग होके फिर यहाँ से आपका सीट बन के सेकेंड टाइम प्रेसिंग के लिए यहाँ से चले जाने वाला है। राइट, और उसके बाद यहाँ से आप उसको फिर से कन्वर्ट बेल्ट पर कनेक्ट कर देंगे तो प्रॉपर गोल रोटी कट के तैयार हो जाने वाली है। जो आपका वेस्टेज है एक्स्ट्रा जो कतरन है उसको आप इसके अंदर से इस बेल्ट के माध्यम से कतरन को आप यहाँ पे भेज सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आटा लगाने का जो स्प्रिंकल करने का भी सिस्टम मिल जाने वाला है। राइट, ताकि आपके जो रोटी के ऊपर है ना वो आटा लग जाएगा। राइट, और फिर यहाँ से सीधा आपका रोटी अंदर कन्वर्ट बेल्ट के माध्यम से रोस्टिंग मशीन में चले जाने वाला है। और भी दोस्तों
मशीन आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देख पाएंगे तो ये भी जैक्सन मशीन कंपनी का खमन मेकिंग मशीन कस्टमर ने लगा रखा है। जैसे ये ढोकला मेकिंग मशीन है, इडली ढोकला इसके अंदर आप बना सकते हो, बढ़िया क्वालिटी का मशीन है। इसके अंदर भी कस्टमर इडली ढोकला बना के अगर सेल करते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा ग्रेवी बनाने का मशीन रखा हुआ है, स्पेशल मिक्सर रखा हुआ है, ग्रेवी मिक्सिंग मशीन रखा हुआ है, और ये हैवी ड्यूटी अपना जो आटा गूंदने का मशीन रहता है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं, ये अपना आटा गूंदने का मशीन भी जैक्सन मशीन कंपनी का यहाँ पे लगाया हुआ है, और देख पा रहे हैं लाइव प्रोडक्शन यहाँ पे चालू है। तो दोस्तों जैसे कि साथ ही साथ आप देखेंगे, ये हमारा लोया बनाने का मशीन है, जैसे लोया का भी यहाँ पे आपको प्रोडक्शन करके दिखा रहे हैं। इसके अंदर से बढ़िया तरीके से लोया भी बन जाता है, देखिए जितना साइज सेट किया रहता है, जितना वेट सेट किया रहता है, उतना वेट आपका उसी सेम वेट का आपका लोया ऑटोमेटिकली कट हो जाने वाला है। सेंसर बेस्ड मशीन है, यहाँ पे आपका सेंसर लगाया है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, दूसरा सेंसर आपका यहाँ पे लगाया हुआ है, देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रॉपर ये चक्कू के माध्यम से सभी के सभी लोया है एक साइज के कट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये होती है दोस्तों क्वालिटी, और ये मुमकिन होती है जैक्सन मशीन कंपनी जैसी रेप्यूटेटेड कंपनी के पास ही। भैया कितना टाइम हो गया मशीन चलाती हुई ये? एक साल। कैसा लग रहा है मशीन चलाने में? अच्छा है, अच्छा अच्छा है। पहले जब लोया बनाने में जो दिक्कतें आती थी, जो लोया बनाने में समय लगता था, वो अब नहीं लग रहा है? नहीं, यानी ऊपर से बस आपने आटा डाल दिया है, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है? ऑटोमेटिकली होता है, ऊपर से आटा डाल देने का है जी। अभी भी देख पा रहे कोई मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा है, जस्ट आटा डाल दिया, अपने आप ही प्रोडक्शन चालू है। कभी करंट वगैरह आया मशीनों में अपने में? नहीं, करंट नहीं आता है। कभी करंट नहीं आया है? और एकदम आसानी से उपयोग कर सकता है? आसानी से उपयोग हो जाता है जी। हाँ दोस्तों देख पा रहे हैं, एकदम इजीली इस मशीन को आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये अपना सीट मेकिंग मशीन है, जैसे कि ये अपना पूरी बनाने का मशीन था, जो पूरी आती है उसके वो पूरी बनाने का मशीन था, बस कस्टमर ने इसको सीट मेकिंग मशीन बना दिया है, उसके सीट मेकिंग मशीन की तरीके से इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर रोलर लगा देंगे तो ये भी पूरी कट करके आपको दे देगा, बट अभी कस्टमर का जैसे प्रोडक्शन बढ़ चुका है, उनका रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है, तो उन्होंने पूरा बड़ा सेटअप ही ले लिया, तो यहाँ से पूरा उसका जो सीट बनाना जो है, जो आटे का सीट बनता है, वो यहाँ से कस्टमर उसका आटे का सीट बना लेते हैं, यानी मिनटों के अंदर आपका जो काम खत्म हो जाने वाला है। दोस्तों देख पा रहे हैं एकदम इजीली कोई भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। इतने सारे मशीन इतने बड़े रेस्टोरेंट में लगे हुए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये होती है एक रेप्यूटेटेड कंपनी की पहचान, राइट। और सभी मशीन अप टू डेट है, और अभी आप देखिए इस मशीन की कंडीशन देखेंगे तो अप्रॉक्स बहुत ही पुराना मशीन ही अपने को लग रहा है। इसकी कंडीशन के हिसाब से आप खुद जजमेंट ले लीजिए कि कितना मशीन पुराना होगा, राइट। तो उस हिसाब से सोचिए कि अभी भी मशीन टिप टॉप कंडीशन में, अभी भी मशीन चालू है, राइट। तो इतना दोस्तों बढ़िया कंपनी है जैक्सन मशीन कंपनी, जिसके माध्यम से आप इस तरीके की मशीन ले जाके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके व्यापार में जो लगने वाले टाइम को रहता है उसको कम कर सकते हैं, आपके लगने वाले जो कॉस्टिंग रहता है उसको आप कम कर सकते हैं, आपके प्रॉफिट लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप जानेंगे उमिया जी डाइनिंग हॉल के जो अपने ऑनर हैं, उनसे बात करेंगे, उनको कैसा रिस्पॉन्स दिया जैक्सन मशीन कंपनी ने, कितने साल हो गए हमारी मशीन वगैरह के, अब कुछ जानते हैं हम हमारे उमिया जी डाइनिंग हॉल वाले के ओनर से। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपने उमिया जी डाइनिंग हॉल वाले के ओनर यहाँ पे। कैसा चल रहा है सर मशीन वगैरह? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सर कैसे पता चला जैक्सन मशीन कंपनी इतने अलग अलग मशीन, इतने बढ़िया क्वालिटी के मशीन बनाता है? बहुत बढ़िया, अच्छा चला है, 5-6 साल पहले पता चला था जैक्सन मशीन का। कैसे आपको पता चला सर, क्या किस प्लेटफॉर्म से पता चला, रेफरेंस से पता चला, ऑनलाइन पता चला, कैसे पता चला? YouTube से। तो YouTube पे सर, तो आपने दूसरी भी कंपनियां देखी होगी जो इस तरीके की मशीनें बनाती है, तो आपने जैक्सन मशीन कंपनी को ही क्यों चूज किया? पहले मैं 2-3 कंपनियों से लिया था मशीन, इसमें मजा नहीं आया, तो बाद में जैक्सन का लिया, इसमें बढ़िया मजा आया। पहले रोटी का मशीन लिया, बाद में लोया का मशीन लिया, चपाटी का लिया, धीरे धीरे आपने फिर सारे मशीन लिए, यानी आपने पहले 2-3 कंपनियों की मशीन यूज किए, तो उसमें आपका पैसा वेस्ट हो गया कह सकते हैं? यस। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, यानी कस्टमर कम पैसों की लालच में किसी एक ऐसी फ्रॉड कंपनी के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसके वजह से आपका फिर आपका जो पूरा बिजनेस रहता है वो डगमगा जाता है। सच बात है तुम्हारी। और जैसे कि सर पहले जब आप हाथ से रोटी बना रहे थे या फिर उनकी मशीनों से रोटी बना रहे थे, उसकी क्वालिटी में और अपनी मशीन की रोटी और पूरी ये सब की क्वालिटी में आपको कितना फ़र्क लगा?
बड़ा फर्क लगा है। बहुत फर्क। यानी कैसी क्वालिटी आ रही है सर रोटी वगैरह की? बढ़िया क्वालिटी आ रही है रोटी की। कितनी रोटी अप्रोक्स पूरे दिन में बन जाती होगी? कम 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार रोटी पर डे बन जाती है? यस। इतने सालों से आप मशीन चला रहे हैं तो कभी 6-7 हज़ार रोटी पर डे बन रही है तो कभी कुछ तो दिक्कत आई होगी मशीन में? नहीं आई। दोस्तों देख पा रहे हैं कस्टमर कितने पॉजिटिव, यानी 6-7 हज़ार रोटी बनती है इतने सालों से सर मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, यानी अभी तक 0 कंप्लेंट है सर? ऐसा तो कुछ नहीं है, वीडियो चालू करने से पहले आपको बोलोगे ऐसा सब बता दीजिएगा कि यानी पॉजिटिव रिव्यू ले रहा है कंपनी? यस। यानी ऐसा आपको कुछ पहले सिखाया वगैरह? नहीं सिखाया। देख पा रहे हैं दोस्तों यानी जैक्सन मशीन कंपनी अपने कस्टमर का एक ऑनेस्ट रिव्यू ले रहा है, और जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर कितने सारे कस्टमर अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी वो खाना खा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे कस्टमर्स को, अगर उनको कोई मशीन लेना है तो कहीं दूसरी कंपनी में जाना चाहिए या जैक्सन मशीन में आना चाहिए? जैक्सन मशीन में आना चाहिए। और जैसे क्वालिटी वगैरह कैसी लगी सर मशीन की आपको? क्वालिटी बहुत अच्छी है और सर्विस भी बहुत अच्छी है। सर्विस भी अच्छी है। यानी आप फोन करते हैं तो आपके फोन प्रॉपर आंसर होते हैं अभी भी? यस 100%। देख पा रहे हैं दोस्तों आफ्टर सेल सर्विस भी हमारी अच्छी है, हमारी आफ्टर सेल्स की पूरी टीम हमने अलग से बिठा रखी है, जैसा ऐसा नहीं है कि हमारी जो कॉलिंग टीम है पूरा पर हैंडल कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, हमारा आफ्टर सेल सर्विस का डिपार्टमेंट अलग है। अगर आप जैक्सन मशीन कंपनी से मशीन बाय करते हैं तो आपको फिर हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे जो हमारे टेक्नीशियन का रहेगा, वो आपको आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर आप उसको कह सकते हैं कि आपका जो प्रॉपर मशीन में कभी भी कोई क्वेरी आती है या अगर आपको कोई पार्ट्स वगैरह लगता है तो वो पार्ट्स भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। और मशीन के अंदर कोई भी समस्या आई या फिर मशीन के अंदर कोई आपको पता नहीं चल रहा कैसे यूज़ करना है तो सब कुछ हमारी टीम के माध्यम से आपको बताया जाता है सर। यानी मशीन एकदम ईजी टू यूज़ है, आसानी से इस मशीन को यूज़ किया जा सकता है? यस। यानी ऐसा तो नहीं है कि आपको सीखना पड़ता होगा? नो। करंट वगैरह का कभी सर खतरा लगा आपको यहाँ पे? नो। और जैसे कस्टमर आ रहे हैं सर कभी उनको ऐसा लगा कि कच्ची रोटी मिल रही है? नो। यानी ये प्रॉपर अच्छे से सिक के आती है? यस। दोस्तों देख पा रहे हैं प्रॉपर अच्छे से रोटी जो है अच्छे से सिक के आती है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की रोटी हमारी मशीनों के माध्यम से बनती है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की पूरी हमारी मशीनों के माध्यम से बनती है। सर लोया और जो लोया कटिंग मशीन आपने लिया है तो उसके वजह से आपका जो रोटी का सेफ है यानी सबका जो साइज है वो सब कुछ सेम हो गया है सर? यस। यानी सब सेम साइज की रोटी आती होगी? यस यस। दोस्तों देख पा रहे हैं यानी रोटी का जो साइज है वो भी काफी मेंटेन करता है एक ब्रांड की तरह आपको प्रेजेंट करने में, राइट। अभी सर इतने सालों से अपने बिजनेस को चला रहे सर, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए आपके रेस्टोरेंट को? 13 साल। 13 साल हो? 13 साल। दोस्तों देख पा रहे हैं 13 साल से कस्टमर यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को चला रहे सर। जैसे मशीन आपने लिया था तो आपको रोटी बनाने में कितनी समस्या आती थी? बहुत आती थी। यानी लेबर कितने रखने पड़ते थे आपको सर? 6। तो लेबर की भी आपको समस्या आती होगी, लेबर चले जाते होंगे नहीं मिलते होंगे? यस। और अब मशीन के आने के बाद आपके जो लेबर की समस्या है वो भी दूर हो गई? बहुत ही दूर हो गई। यानी देख पा रहे हैं दोस्तों यानी जो आपके 10 लेबर काम करते हैं वो हमारी मशीन में से आप 1-2 लेबर के साथ कर सकते हैं, बाकी जो आप 8 लेबर आपके जो फ्री हैं आप उसको कोई दूसरे काम में असाइन कर दीजिए, राइट। तो आपका दूसरा भी काम चलता रहेगा, आपका एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बन जाने वाला है। यानी आपको जो बिजनेस में लगने वाली छोटी छोटी जानकारियाँ रहती है सब कुछ जैक्सन मशीन कंपनी आपको गाइड करता है। तो दोस्तों बिना देर किए ऐसी रेप्यूटेड कंपनी के साथ जुड़ के अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए जो आपको आफ्टर सेल सर्विस बेटर दे पाए, राइट। तो बिना देर किए आज ही फोन उठाइए और आज ही कॉल लगाइए जैक्सन मशीन कंपनी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जैक्सन मशीन यूट्यूब चैनल।